आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है शांति जी आपका। हेलो। हाँ मैम। आपने भी टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज कर रखा है, कम कीजिए, सवाल कीजिए। टीवी का वॉल्यूम कम कर दिए मैम। चलिए सवाल कर लीजिए। अब बोल रहे हैं मैम, जो कब्ज हो जाता है था उसका समाधान के लिए बोल रहे हैं जी, पेट में कब्ज। ठीक ठीक है, देखिए बड़ा अच्छा नुस्खा है पेट के कब्ज का, तो लेकिन आप अगर समझ लें, आंवला 200 ग्राम, मेथी का दाना 200 ग्राम, सूखा हुआ आंवला, मेथी का दाना 200 ग्राम, सौंफ 200 ग्राम ये लीजिए, और इसमें 100 ग्राम जैतून का नमक आता है, जैतून का रसायन आता है, सफ़ेद सफ़ेद नमक जैसा होता है लेकिन नमकीन नहीं होता, 100 ग्राम इसमें मिलाकर सबका पाउडर बनाएं, आधे से एक चम्मच सुबह खाएं, आधे से एक चम्मच शाम को खाएं, पहले दिन से फ़ायदा होना शुरू होगा, लेकिन ये पूरा मटेरियल ख़त्म कर लें तो आप रोग मुक्त हो सकते हैं जी। अगले कॉलर अभिषेक कुमार झारखंड से, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मेरी मम्मी है मेरे पास, थोड़ा उनको प्रॉब्लम है, बात कर रही है। हाँ जी करवाइए। हेलो मैडम। हाँ जी 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 नमस्कार। आदा। हाँ, मेरा उम्र है 40 साल सर। जी। 15 साल से मेरा दाहिना पैर में दिक्कत था, खड़ा नहीं रह पाते थे, ज्यादा चलते थे तो बैठ जाते थे, थक जाते थे, पूरा जो नस है वो खींचने लगता था। ठीक है। अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया, दोनों कमर से लेके नीचे ये जो जंघा है पूरा पूरा दोनों पैर में आ गया, पूरा दर्द करता है, थोड़ा सा भी झुकते हैं उठते हैं, खाना बनाने में भी थक जाते हैं, इतना दर्द करता है। जी जी। अब कोई दवा भी खाते तो आराम नहीं होता है। ठीक है ठीक है, तो देखिए एक दो दवा हम आपको बता देते हैं, बेटा से कहें कि लिख लें, और लिखना ज़रूरी है, देखिए बल्कि एक एक रॉ मटेरियल बताते हैं, एक दवा बता देते हैं, जो भी मिले आसानी से लेकिन असली होना चाहिए, वो शुरू कर दें और आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे फ़ायदा शुरू हुआ, और ये नुस्खा तमाम दवाओं पर भारी होता है। एक आता है गोंद, स्याह, स्याह कहते हैं काले को, काला गोंद या गोंद स्याह एक मिलता है, नकली बहुत मिलता है, मुश्किल से बहुत मिलता है, कड़वा बहुत होता है, और बुरी सूरत का बहुत होता है, लेकिन फ़ायदा बहुत है इसका, अगर मिल गया असली तो आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाने के बाद, ये रॉ मटेरियल ले लें, पाउडर बना लें, और आधा आधा ग्राम, बच्चा बताएगा कितना होता है आधा ग्राम, तो आप ले लें 100 ग्राम भी मिल गया तो ये अपने ख़त्म होने से पहले आपका रोग ख़त्म कर सकता है, अगर ये नहीं मिले लेना है तो असली लेना है, बहुत ही कड़वा होता है, और अगर नहीं मिले तो कैप्सूल टी केयर, कैप्सूल टी, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर सुबह शाम एक एक कैप्सूल खाएं, इससे भी राहत आपको हो सकती है। वेस्टर्न टॉयलेट अगर घर में नहीं हो तो वो लगवा लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है, आपको दवा से भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस पर आप अपनी ज़रूरत पूरी किया करें, बेटा आपको लगवा के देगा, मुझे लगता है बेटा आपका बहुत अच्छा है और ये आपका पूरा इलाज करा सकता है। जी। नेक्स्ट कॉलर शिवान शर्मा MP से, स्वागत है आपका शिवान जी। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। मैं दादा। हाँ। कि मेरे दादाजी को शुगर की बीमारी है, उनकी है 67 साल। ठीक है। हाँ तो मतलब उन्होंने खूब दवाई ट्राई कर ली पर उनकी कुछ असर नहीं हो रहा, तो आप उसके लिए कुछ बता दीजिए। जी जीते रहिए बेटा और दादा का खूब ख्याल रखिए, दवा तो वो खाते ही हैं, वो तो उन्हें खाने ही दीजिए, और जैतून का सिरका मिलता है, जैतून का सिरका 3-3 चम्मच सुबह और शाम नाश्ते के और रात को खाने के बाद पानी में मिलाकर खिलाया करिए, और शुगर ठीक तो नहीं हो सकती है लेकिन कंट्रोल रहना मुमकिन है। जी।
तो बिल्कुल देखिए, आपके दादाजी की शुगर कंट्रोल हो जाएगी। इतने सारे आप ट्रीटमेंट कर चुकी हैं, इतनी सारी दवाइयाँ वो खा चुके हैं, तो एक बार आप ये नुस्खे अपना लीजिएगा, उनको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से। मुस्कान है पंजाब से, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए जी। मेरी उम्र 22 साल। हाँ जी, मतलब मोटापा बहुत बढ़ रहा है मेरा। अच्छा, एज क्या है और वेट कितना है? ठीक है, वेट मेरा वेट जी 22 साल की उम्र है मेरी। आपका वेट कितना है? वेट मेरा 70 जी। 70 kg। वो पंजाब में तो जी सब खूब बलिष्ठ होते हैं, पहलवान से होती हैं लड़कियां भी, तो वेट होना कोई बुरी बात नहीं है। और लूज होना, कमज़ोर होना, एक्टिव ना होना, ये बुरी बात है। और देखिए, एक तो जितना खाते हैं उससे आधी खुराक कर दीजिए। 4 रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाया करिए, और पराठे खाते हैं तो रोटी पे आ जाइए, और रोटी खाते हैं तो वो आधी कर दीजिए। सुबह शाम 2 टाइम खाना खाइए, 5 बार गर्म पानी पीजिए, 1 घंटा पैदल चलिए, ठीक है, इससे भी वेट कम होता है। और अगर फिर भी किसी सूरत नहीं होता तो नुस्खा भी बता देता हूँ आपको। जैतून का नमक आता है, रसायन जैतून कहते हैं, 1/2 ग्राम पानी में मिलाइए, उसमें 1 नींबू निचोड़ दीजिए और ये पीजिए दिन में 1 बार या 2 बार, तो आपका वज़न कम होना शुरू होगा। लेकिन आपको भी बहुत बहुत कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वेट बढ़ता है, वो चीज़ें छोड़नी चाहिए। गर्म पानी लगातार पिया करें, खूब गर्म पानी, मैं भी पीता हूँ, मेरा भी वेट बढ़ता है तो गर्म पानी पीता हूँ बार बार, और वज़न मैं भी, मुझे भी कम करना पड़ता है। जो मैं करता हूँ मैं आपसे शेयर करता हूँ, आप भी अपना वज़न कम कर सकते हैं जी। बिहार से अगले कॉलर हैं, विकास जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ मैम जी। विकास जी। हाँ मैम, बोला जाए। बताइए, प्रश्न करिए। हाँ, पैर में दर्द और डांड में, कमर में, ठेहुना में, इस समय दर्द है बहुत ज्यादा कोई जी। विकास जी, आपको तो पूरा भारत बड़ी तमन्ना की नज़र से देखता है कि विकास हो जाएगा। आपका नाम बहुत अच्छा है। आप वज़न नहीं उठाएं और वेस्टर्न टॉयलेट घर में नहीं हो तो वो ज़रूर हुआ, एक कुर्सी वाला है ना, ये ज़रूरी है। और या तो आपको मिल जाए कहीं असली गोंद स्याह, काला गोंद जो असली होता है, वो गोंद स्याह या काला गोंद कह सकते हैं, इसे कड़वा बहुत होता है, नकली भी बहुत मिलता है। असली मिल जाए तो थोड़ा सा खरीद लें, 100-200 ग्राम, और 1/2 ग्राम सुबह शाम पानी से, बगैर चर्बी के दूध से, या रईस हैं तो जूस से भी ले सकते हैं। ये 100-200 ग्राम मिल गया तो अपने ख़त्म होने से पहले आपको रोग मुक्त कर सकता है। ये नहीं मिले तो आप कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाने के बाद लिया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है जी। अगली कॉलर प्रेमलता यादव जी, स्वागत है आपका। हाँ दीदी। हाँ जी, बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ दीदी कि मेरे को थायराइड भी है, 3 साल से गोली खा रहे 75 नंबर की, और अभी जांच करवाई तो नॉर्मल बताई, और बाथरूम में इंजेक्शन है, और जैसे कब खूब फूल जाती हूँ कभी कम वजन हो जाता है, ऐसा क्यों होता है दीदी? ठीक है, आपकी एज क्या है? एज मतलब क्या दीदी? उम्र क्या है आपकी? उम्र मेरी 36 साल जी। 38 साल। अच्छा, आप तो करीब थायराइड नॉर्मल आया है। आपका थायराइड शायद जिगजैग होता है, कम ज़्यादा होता है, और जिसको ये होता है उसको थायराइड होता ही नहीं है। और फिर भी आपको नुस्खा जानना है तो आप समझ लीजिए कि थायराइड के लिए जो दुनिया का बेहतरीन नुस्खा, एक रॉ मटेरियल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 300 ग्राम धनिया का दाना, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी, और 100 ग्राम सफ़ेद गौंद मोरिंगा, सफ़ेद वाला ही लेना है,
गौन मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम, इसको पाउडर बनाएं, एक एक चम्मच सुबह शाम खाएं, आपकी दोनों समस्याएं का निदान मुमकिन है। वो दवा भी खाएं जो डॉक्टर देता है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं, और 6-7 महीने खाना होगा, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है जी। अगली कॉलर मेरठ से हैं, सुशीला जी, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, हाँ जी मैम बोलिए। हाँ मेरा नाम सुशीला, मैं मेरठ से बोल रही हूँ जी। ठीक है। हाँ मेरे पैर का मांस फट रहा है, उसके लिए हम पूछना चाह रहे हैं कोई नुक्ता। हाँ पैर का मांस फट रहा हुआ है घुटने का, जरा दीवार पे से एक जगह से हम हो गए थे, हमारे पैर की गद्दी फट गई और तब से हाँ जीना नहीं चढ़ा जाता, एक दो पैड़ी भी नहीं चढ़ा जाता। ठीक है। हाँ एज बताइए है हमारे 55 साल है जी। 55 साल है जी। ठीक है ठीक है। देखिए बड़ी आसानी से आप ठीक हो सकते हैं। एक तो वजन नहीं उठाएं कुछ दिन, और गौन गौन स्याह आता है, एक काला गौन, कड़वा बहुत होता है, अगर असली मिल जाए, नकली भी बहुत मिलता है, बस 100 ग्राम खरीद लें, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाएं, ये 100 ग्राम ख़त्म होने से पहले आपका ठीक होना मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर दिलीप चौधरी जी हैं कोलकाता से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो हाँ तो जानते हैं सर, हमारा मतलब पेचिस का शिकायत है और पेशाब बहुत जल्दी जल्दी लगता है जी। हाँ और जानते हैं कभी कभी देखते हैं मतलब लेटिंग पर जाते हैं तो सादा 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 धात के तरह मतलब गिरता, 3 बीमारी है उससे बहुत परेशान। ठीक है, आपको लूज मोशन है और आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। हाँ। और तीसरी क्या दिक्कत है? मतलब तीसरी यही मतलब पेट में आव है, जब समझा देखाए बोला है कि पेट एकदम चिकना हो गया, पैखाना साफ नहीं होता, जिसको पेचिस कहता है। अच्छा ठीक है, आपकी एज क्या है? वही मतलब 43 वर्ष, और ये जानते हैं करीब मतलब कि 10-15 साल से ठीक नहीं हो रहा, हर जगह इलाज कर रहा है। देखिए एक नुस्खा ऐसा है जो आपकी सारी बीमारियां पर भारी पड़ेगा, लेकिन आपको मेरी बात लिखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, कॉपी पेन है तो समझ लीजिए आपका काम हो गया, नहीं लेके बैठे हैं तो फिर लिख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। आसान तो है लेकिन समझना भी ज़रूरी है, कुछ लोग ऐसे फ़ोन कर देते हैं कॉपी पेन लेकर नहीं बैठते। तो जितनी देर में बातचीत में लगा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अगर नहीं लिया हो तो कोई जल्दी से आपको कॉपी पेन ला के दे दे ताकि आपका नुस्खा लिख लिया जाए। कुछ लोग यूँ भी कर सकते हैं कि हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं या हमारी वीडियो भी बना सकते हैं। और अब मैं नुस्खा बताना शुरू करता हूँ। देखिए मेथी 200 ग्राम, सौंफ 200 ग्राम, आंवला 200 ग्राम, मेथी 200 ग्राम, सौंफ 200 ग्राम, आंवला 200 ग्राम, और एक आता है जैतून का रसायन, इसे जैतून का रसायन कहते हैं हिंदी में, हम आसान लैंग्वेज में आसान भाषा में जैतून का नमक कहते हैं, ये देखने में नमक जैसा लेकिन जायके में नमकीन नहीं होता। ठीक है, ये 100 ग्राम ले लीजिए, इसे एस्टेक जैतून भी कहते हैं, अगर कोई बच्चा आज का बच्चा सुन रहा है तो वो समझ जाएगा एस्टेक क्या होता है। 100 ग्राम ये ख़रीद के इसे मिलाकर ये सब चीज़ों का पाउडर बनाएं, आधा आधा चम्मच 2 या 3 बार खाने से पहले पानी के साथ लें, आपकी सारी समस्याओं का निदान मुमकिन है जी। अगले कॉलर छत्तीसगढ़ से रोहित साहू, स्वागत है आपका। हेलो हेलो रोहित जी, टीवी का आवाज कम कर लीजिए पहले तो, सवाल करिए। मैडम सिर क्यों दर्द देता है जी? दर्द देता है मैडम जी। आपको सर दर्द देता है, कौन देता है? ऐसा लग रहा है जैसे ये मैडम देती है। ये बताइए डॉक्टर ने क्या कहा है, कितनी उम्र है आपकी, कब से दर्द है? चलिए हम बता देते हैं दर्द क्यों देता है और कैसे देता है। देखिए दर्द इतना मुख्तसर है, चारा घर के सामने जैसे हो कोई दिया शमसो कमर के सामने, ऐसे सीधा बैठे मेरी तरह और
ये ऐसे ऐसे आपको करना है रोज़ाना 3 मिनट, एक साथ नहीं कर पाएंगे, घड़ी देख के एक एक मिनट करके 3 बार करें, एक एक मिनट, ठीक है, जब आपकी मर्जी हो, लेकिन करना ज़रूरी है। और एक ऐसे 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 ये भी 3 मिनट करें और 10-12 दिन तक लगातार करें। मुझे उम्मीद है आपको दवा की ज़रूरत नहीं है, आपको इस अमल की ज़रूरत है और दुआ की ज़रूरत है। मैं दुआ करता हूँ आप ये अमल करिए, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर झारखंड से चंचला, स्वागत है आपका। जी, चंचला देवी बोल रहे हैं। हाँ जी, चंचला देवी जी, आपका प्रश्न क्या है? मैम, हम तो दवा लिए थे हकीम साहब से, चवनप्राश जैसा दवा था। नाम क्या था उसका? दवा चवनप्राश जैसा था, नाम तो नहीं जानेंगे इंग्लिश। अच्छा ठीक है, आपका सवाल क्या है? है सर, मैडम हम तो दवा खा रहे हैं ना, तो मेरा खांसी आराम है। आराम है ना आपको? हाँ, लेकिन बात ये है ना, जब अंग्रेजी दवा छोड़ देते हैं ना 2-3 दिन, तो फिर मेरा वैसे ही होने लगता है जैसे पहले। मेरा लगता है कलेजा में कुछ बैठा हुआ है और खांसते खांसते मेरा कैसा होने लगता है। ठीक है, वाकई आप चंचला देवी हैं, मुझे यकीन है। मैं समझा था आप शिकायत कर रहे हैं, आप तो तारीफ कर रहे हैं। अच्छा देखिए, अभी दवा नहीं छोड़नी, मैं सबसे कहता हूँ वो दवा खाते हुए ये खाएं, जब ये कंट्रोल कर ले पूरा तो उसको कम करेंगे आपके डॉक्टर के मशवरे से। वो दवाएं जो खाते हैं वो खाते ही रहिए, अभी तो आपने शुरुआत ही की है, फ़ायदा नज़र आ गया, उसे छोड़िए मत, उसे डॉक्टर के मशवरे से उसकी प्रोटेंसी कम करेंगे और इसको बढ़ाएंगे, और 5-6 महीने या इससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। ये कोई मामूली मर्ज़ नहीं है, फेफड़े का मर्ज़ है, लंग्स का मर्ज़ है, सांस का मर्ज़ है, तो इसे आप अच्छे से काम करने दीजिए। ये 5-6 महीने भी आपको खानी पड़ सकती है, आप बेफिक्र रहिए, गर्म पानी पिया करिए, खट्टी चीज़ें छोड़ दीजिए और दवाएँ जारी रखिए, और फिर आप 2-3 महीने बाद फ़ोन करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा जब आप कहेंगे कि दवा भी कम हो गई और आपका आराम भी है। बहुत जल्दबाज लोग इस बारे में खूब सीरियस, ये थोड़ा सा फ़ायदा करती है रोज़ाना, तो अभी तो इतना फ़ायदा नहीं हुआ जितके आप दवा छोड़ सके। खाते रहिए चंचला देवी, और मैं आपके लिए दुआ भी करता हूँ कि आपको जल्दी फ़ायदा हो।